કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્રમાં પાઠ ભણીશું. પહેલો પાઠ છે દયાલુ શિકારી, જે ચિત્રપાઠ છે. ચિત્રપાઠમાં ચિત્રપાઠથી આપણે વાર્તા બનાવવાની હોય છે. પહેલાં આપણે આ સમજીશું, પછી વાર્તા કરીશું. ઇસ ચિત્રપાઠ મેં હિરણ કા શિકાર કરને કે લીએ શિકારી જંગલ મેં ગયા. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ाता है. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है. कि आ कहानी में शिकारी छे ए शिकार करवा माटे आवे छे. तो शिकार करो एक गुनो छे. कोई पशु नो शिकार करो एक मोटो गुनो छे. तो अहीं एना विषे मस्त कहानी छे, बधा ध्यान थी सांभळजो. चित्र नंबर 1. एक शिकारी था. एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई. वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा. जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी. वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी. शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा. दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिंध में आते ही शिकारी ने गोली चलाई. गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे. शिकारी हिरनी के पास गया. उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी. हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे. यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया. उसे बहुत पछतावा हुआ. जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था. शिकारी ने हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा लिया. इलाज से हिरनी को आराम मिला. शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया. જે કહાની ભણ્યા એના પરથી આ પ્રશ્નોના જવાબ છે, જે તમારે જાતે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1, પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 3 તમારા નોટબુકમાં લખવાનું છે. અને સ્વાધ્યાયમાં પણ કહાની છે, જે હું તમને અત્યારે સમજાવીશ. કહાની છે તે પણ તમારી નોટબુકમાં લખવાની છે. કહાનીનું નામ છે બાતુની કછુઆ. એક તાલાબ થા. ઉસમે એક કછુઆ રહેતા થા. વહાં બહુત બાતુની થા. બાતુની એટલે બોલકણો. જે બહુ બોલ બોલ કરતો હોય તેને શું કહેવાય? બાતુની. વહાં બહુત બાતુની થા. વહી દો હંસ ભી રહેતે થે. उसके अच्छे मित्र बन गए थे. एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई. तालाब का पानी सूखने लगा. हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया. वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपने चोंच से पकड़ लिया. बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलेंगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे. दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे. रास्ते में एक गांव आया. गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए
हंसों को देखने के लिए जमा हो गई। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह से बोलने लगा, तब मुंह से लकड़ी छूट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अपनी एक कहानी हती अने बाजू में बीजी पण एक कहानी छे, ए पण तमारे नोटबुक में लखवानी छे अने ए कहानी हूँ पण तमने अत्यारे समझावीश। आ कहानी तमे पहला बीजा धोरणथी सांभळता आव्या छो। ए कहानीनो शीर्षक छे बुद्धिमान कौवा। तमे गुजरातीमां भण्या छो अने अहीं कहानी हिंदीमां छे। एक कौवा था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। पानी ऊपर लगाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। अनेक आगे प्रश्न त्रण में एक कहानी छे। अहीं शीर्षक आपणे आपेलू छे कौवा और लोमड़ी। આ કહાની પણ તમે બીજા ત્રીજા ધોરણમાં તમે ભણી ગયેલા છો, પણ તમે ગુજરાતીમાં ભણેલા છો અને અહીંયા કહાની આપણે હિન્દીમાં છે। એક બાર એક કૌવે કો એક રોટી મિલી। વહાં રોટી લેકર ઉડતા હુઆ એક પેડ કી ડાલ પર આ બેઠા। ઇતને મેં એક લોમડી પેડ કે નીચે આઈ। ઉસકી નજર કૌવે કી રોટી પર પડી। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यहां देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती पड़ी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। अहीं प्रश्न 4, 5, 6 या तमारी नोटबुक में लखवानो छे। अहीं आपणी आ पाठ पूरो थाय छे। चलो मित्रों आवजो।